वेलकम बैक टू पैनल ए सुपर हीरोज़ ओहोय। मेरा नाम है तुषार। आज बात करते हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के द्वारा रीप्रिंट करा गया किंग कॉमिक्स का सेट। इसमें 9 बुक्स हैं और इसके बारे में मैं अपनी थॉट शेयर करूँगा। तो इन बुक्स का नाम है, ये नंबर से ही अवेलेबल हैं, तो मैं आपको नंबरिंग से बता देता हूँ पहले कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो इसमें आती है लिजा, तो ये लिजा एक कैरेक्टर है, और उसके बाद एक बुक है षड्यंत्र, ये अभेद सीरीज का है। उसके बाद आती है ब्लाइंड डेथ, तो ब्लाइंड डेथ जैसे आप जानते हैं किंग कॉमिक्स का कैरेक्टर है, जो इसने सर्वनायक में भी अभी अपीयरेंस करी है। 3 के बाद आता है खूनी खजाने की खोज, उसके बाद है कंकाल दैत्य, फिर है त्रिधाकू का लड़ाकू, फिर आता है छिपकली लीजा का भाग 2, और फिर आता है शैतान जराकू, और फिर लास्ट बुक है क्राइम स्कूल। तो मेरे ख्याल से इन्होंने जैसे इसको सेट बनाया है, शायद शुरू का जो ओरिजिनल सेट आया होगा ये उसी का रेप्लिका है। पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ओरिजिनल सेट यहाँ पे मेंशन्ड है, लीजा ब्लाइंड अच्छा दिन और कुछ और बुक्स। तो जैसा मैं सोच सकता हूँ किंग कॉमिक स्टार्ट हुआ होगा अलग अलग बुक्स की थीम्स के साथ, जिसमें सुपर हीरोज रहेंगे, आपके थोड़े पौराणिक कथाएं टाइप के कैरेक्टर्स रहेंगे, थोड़े मॉन्स्टर्स टाइप के, और कुछ हॉरर की बुक्स रहेंगी। तो उसी तरह उनका पूरा कैटलॉग रहा होगा उस टाइम पे, और उसी का ओरिजिनल आपको मज़ा इसमें देखने को मिलता है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर एक इशू हो सकता है कि मैंने इसमें शायद अभी 4 या 5 बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें होता क्या है कि अभी जैसे इसकी सेकंड बुक है अभेद सीरीज़ की, तो इस बुक का क्रमशः है वो दिखाता है यहाँ पे अभेद, तो ये अभेद वाली बुक इस सेट में नहीं है, तो उसका वेट करना पड़ेगा। उसी तरह इसमें एक बुक है खूनी खजाने की खोज, तो ये कोई इसमें सुपर हीरो कैरेक्टर नहीं है, पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, एक ट्रेजर हंट जैसी, और इसमें काफ़ी सस्पेंस और ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो ये बुक का भी लास्ट पार्ट आगे ही निकलता है, खजाने की कीमत। तो ये शायद उन्होंने प्लान किया है कि शायद जब किंग कॉमिक्स का अगला सेट निकले तो उसमें ये वाली बुक्स आएँ, बट इसमें आपको पूरा कंप्लीशन नहीं मिलता है, ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी मैं कॉमिक्स की बात करूं तो उनके कुछ सेट्स बनते हैं, ये छिपकली और लीजा का एक सेट बनेगा, फिर कंकाल दैत्य शैतान झराकू और इसका मैं बोलूं तो एक सेट बन जाएगा, फिर ये खूनी खजाना का एक होगा, क्राइम स्कूल सेकंड पार्ट है ब्लाइंड डेथ का, और फिर षड्यंत्र। तो मैं एक एक करके आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूँ जितनी मैंने पढ़ी हुई हैं। तो लीजा बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, एक ओरिजिन स्टोरी है ये लीजा कैरेक्टर्स की, और ये इनकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, इनका सारा मोस्टली ग्लॉसी ही है पेज क्वालिटी, पेपर थोड़ा थिन है, कवर थोड़ा हार्ड है, पर बहुत ही मज़ा आता है इनको पढ़ने में और हाथ में इनको पकड़ के इनको रीड करने में, तो वो इस सब में बहुत अच्छा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं इसमें काफ़ी, मैंने कुछ बाकी ओरिजिन स्टोरीज भी पढ़ी हैं, गंगा कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स जो अभी रिसेंटली रिप्रिंट हुई हैं, पर ये इसमें काफ़ी अच्छा है। एक तो आप कवर देख सकते हैं, टिपिकल कदम स्टूडियो जैसा ही इसमें आर्ट है। इसमें लीजा का कैरेक्टर लिखते हैं तरुण कुमार वाही जी, और इसमें चित्रांकन है विनोद भाटिया का। क्रेडिट्स इसमें सारी बुक्स में ही दे रखे हैं, कुछ में नहीं दे रखे हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और इसका सेकेंड पार्ट जो छिपकली है, इसमें शुरू में स्टोरी की समरी भी दी जाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा एक संक्षिप्त तरीके से। इसमें वरुण कुमार वाही लिखा है, बट ये तरुण कुमार होना चाहिए, पर ये बहुत ही अच्छा, आप देखें तो ये फ्रंट कवर बिल्कुल रेट्रो स्टाइल का है, ऐसा अभी देखने को नहीं मिलता, और बहुत ही शानदार इसमें आर्ट है। मुझे लगता है अगर इन बुक्स के बाद में डाइजेस्ट भी निकाले जाएँ तो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, पुराने स्टाइल का मज़ा आएगा। तो ये बुक हुई छिपकली की, लीजा और छिपकली। फिर आते हैं ब्लाइंड डेथ के ऊपर। तो ब्लाइंड डेथ एक कैरेक्टर है जिसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, मैं बताऊँगा तो। इसमें ब्लाइंड डेथ और ख़ासकर की षड्यंत्र, इन बुक में मुझे बहुत ही अच्छे एलिमेंट देखने को मिले, सुपर हीरो की एक ओरिजिन और किस तरह से ओपनिंग स्टार्ट होती है, बिल्कुल फिल्मी तरीके से इसका स्टार्ट हुआ है। आर्ट भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें एक क्राइम स्कूल का कॉन्सेप्ट है,
तो एक इसमें एक प्रोफेसर टाइप के कैरेक्टर होते हैं जो एक क्राइम स्कूल तैयार कर रहे हैं, और इसमें जो ग्रेजुएट हो जाता है वो बन जाता है क्राइम स्टूडेंट। तो इसी तरह के काफ़ी फनी बी ग्रेड टाइप के इसमें एलिमेंट्स हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है ये स्टोरीज पढ़ने में। बिल्कुल पल्प टाइप के इसमें विलेंस हैं, और बहुत ही मज़ेदार इसमें कैरेक्टर्स और स्टोरी बहुत मज़े से मूव होती है। इसमें कैरेक्टर होता है वो एरोप्लेन छोड़ता है, और उसका नाम होता है जहाजू। तो ये सब इसमें होता है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये क्राइम स्कूल का सेकेंड है। फिर मैंने क्राइम स्कूल पढ़ी, क्राइम स्कूल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और बहुत इसमें मज़ा आता है। अलग अलग कैरेक्टर्स और विलेंस इंट्रोड्यूस होते हैं, स्टोरी फॉरवर्ड मूव करती है, प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, कलर्स बिल्कुल पुराने स्टाइल के हैं, और बहुत मज़ा आता है। ये क्राइम स्कूल का भी क्रमशः अनफॉर्चुनेटली है वन मैन आर्मी में, तो वो मैं वेट करूँगा बाद में कभी पढ़ने का। पर इसमें एक्ट भी देखिए कितने शानदार हैं, पुराने स्टाइल के। ये मैडम के लिए शायद लीजा की तीसरी बुक है। फिर आते हैं षड्यंत्र पे, तो ये एक और कैरेक्टर है, और इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक फ्यूचर टाइप का साइंस फिक्शन में जैसे फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाते हैं वैसा दिखाते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि सुपर हीरोज़ सेल पे मिलते हैं। तो सुपर हीरो मार्केट एक होता है जिसमें बहुत ही फनी स्टाइल में ये पूरा ये पेज है, शानदार एडवांस बुकिंग, और सुपर हीरो लीजिए, और अलग अलग शक्तियों वाले सुपर हीरो बाज़ार में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। और एक और सुपर हीरो हीरो सर्विस स्टेशन भी है, यहाँ लूटे पीटे सुपर हीरो की मरम्मत तसल्ली बख्श की जाती है। तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की पुरानी बुक्स पढ़ने में जिसमें इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते थे। और इसमें मतलब कैरेक्टर्स एक के बाद एक आते ही जाते हैं, और एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप इसमें गलतियाँ ढूंढना चाहें तो गलतियाँ काफ़ी मिलेंगी, ये कोई परफेक्ट बुक्स नहीं है। पुराने ज़माने की एक बहुत ही एन्जॉयबल टाइप की बुक्स हैं, रेसलिंग मैचेस होते हैं, और पर इसमें आप देखें तो काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स हैं। इसमें वेस्ट से काफ़ी चीज़ें इंस्पायर्ड हैं, पर बहुत ही मज़ा भी आता है इसमें। तो ये अभेद एक कैरेक्टर एंड में इसका कॉन्फ्रेंटेशन होता है, और उसका एक इंट्रोडक्शन ही होता है क्लाइमेक्स जैसा, और ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये मैं जब भी आएगा ये ज़रूर पढ़ना चाहूँगा अभेद की बुक। फिर आते हैं इस और एक और सरप्राइज़ इसमें, तो इसमें कुछ बुक्स प्रताप मुलिक जी का आर्ट है, तो ये बिल्कुल आपको भोकाल का फील कराएगा। तो ये बिल्कुल क्लासिक जो राज कॉमिक्स की बुक्स होती हैं उसी का मज़ा आएगा। इसमें भोकाल जैसे ही आपको दैत्य और ये एनिमल्स और ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार इसकी प्रिंटिंग और इसका आर्ट है, तो ये मुझे बहुत ही एक सरप्राइज़ पैकेट जैसा लगा, कंकाल दैत्य। और इसमें फिर एक और बुक है शैतान झराकू, इसमें भी प्रताप मुलिक जी का है, इसमें कलन, हाँ ये दोनों प्रताप मुदित जी की हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल भोकाल की बुक्स जैसा ही इसमें लुक है, अश्वराज भोकाल उस टाइप की बुक्स का, बिल्कुल आपको इसमें मज़ा आएगा। तो ये हुई इनकी ये बुक, और इसमें आप ऐड देखिए कितने शानदार ऐड हैं किंग कॉमिक्स वेगा के। आई थिंक इसमें एक और चीज़ कर सकते थे कि थोड़ी नॉवल्टीज दे सकते थे, ये इतना जो शानदार आर्ट है इसके थोड़े आर्ट कार्ड्स या कुछ छोटे पोस्टर्स देते तो बहुत मज़ा आता, बिकॉज़ ये पुरानी बुक्स को रिवाइव करने की ये जो एक पहल चल रही है उसमें और अच्छा लगता। फिर ये एक बुक आती है त्रिडाकू पर लड़ाकू, आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका आर्ट है, और यहाँ पे प्रताप मुलिक जी का नहीं है, जसवंत सिंह नार का है इसमें, बट स्टाइल आपको सिमिलर ही लगेगा, वैसा ही भोकाल की बुक्स और जो पुराने स्टाइल की बुक्स होती थी वैसा ही ड्राइंग्स हैं इसमें। तो ये बुक यहाँ ख़त्म होती है, ये क्रमशः नहीं है, ये वन पार्ट स्टोरी है, शैतान झराकू भी वन पार्ट स्टोरी है, समाप्त हो रही है। कंकाल दैत्य भी समाप्त हो रही है, तो ये अच्छी बात है, ये तीनों वन शॉट स्टोरीज हैं। बाकी ये खूनी खजाने की खोज आगे कंटिन्यू होती है, लीजा की जो सेकंड बुक है मैं देखता हूँ वो शायद कंटिन्यू होती है, ये भी समाप्त हो जाती है। तो ये एक पूरा आर्क ये दोनों बुक्स में देखने को मिलेगा, और षड्यंत्र तो खैर कम क्रमशः है अभेद की एक और बुक में, और उसी तरह ये ब्लाइंड डेथ क्राइम स्कूल भी आगे ही कंटिन्यू होगा वन मैन आर्मी में। तो ये बात है किंग कॉमिक्स के कंप्लीट सेट की। मैं चाहता था इसका बहुत कुछ दिनों से चाह रहा था इसके साथ इसके अपने थॉट्स शेयर करूं, और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट होता है जब ऐसी पुरानी बुक्स के रीप्रिंट होते हैं कुछ बहुत रेट्रो और रेयर,
तो ये सिलसिला आगे जारी रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि किंग कॉमिक्स से कुछ और रिप्रिंट्स RCMCG से भी आने को हैं, तो जब वो आएंगे मैं उनका रिव्यू करूँगा। शायद कुछ हफ्तों में आना चाहिए जलयाक सीरीज़ के साथ। तो दैट्स अबाउट इट। आई थॉट यू लाइक, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस बुक्स, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।